पिछले दो तीन दिन से कुछ फार्मर्स जो हैं वो थोड़े से कंप्लेन कर रहे थे कि हमें यहाँ ज़्यादा देर तक इंतज़ार करना पड़ रहा है, वो जस्ट सिचुएशन को असेस करने के लिए मैं दो तीन सेंटर्स का राउंड लगाने के लिए गया, जैसे पल्ली बोर्ड में लगाया, पजवाल में जाके, और देखा वहाँ पर सर्टेन क्या ग्राउंड सिचुएशन में क्या मतलब क्या किस किस्म की चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं फार्मर्स को, उनको वेट करना पड़ रहा है तो गनी बैग्स कम होने की वजह से, या फैंस जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो फैंस कम लगाए हुए हैं उन्होंने, उसकी वजह से उनको थोड़ा सा जो सेग्रीगेट या सॉर्ट आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो कंसर्न क्वार्टर्स में मैंने बात कर ली डायरेक्टर एग्रीकल्चर के साथ भी, आर एफ सी आई के मैनेजर के साथ भी बात कर ली, उनको बता दिया ऑन स्पॉट 3,000 गनी बैग्स उन्होंने दो तीन धान मंडीज में भेज दिए, और अभी कल तक कुछ और मंडीज में भी ये गनी बैग जा जाएंगे ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो जी। और दूसरा जगह कम होने की वजह से मैंने कल एक लेटर भी लिख लिया एफ सी आई को, कम से कम दो तीन और धान मंडी जो है वो खोल दी जाए ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो, एक ही प्रोक्योरमेंट मंडी में धान रखने की वजह से क्या हो गया कि ज़्यादा जमघटा इकट्ठा हो गया, लोगों को टर्न थोड़ी देर ऊपर से ट्रैक्टर निकलते हैं 6,000 की तरपाल फट गई सर, चार जगह से फट, ब्रांड न्यू तरपाल आया था, क्या करेंगे मतलब इस डेयरी में जगह इतना, यहाँ से ऊपर से ट्रैक्टर निकाल लेंगे। दूसरी प्रॉब्लम सर और भी 20-20 दिन से सर पैसे नहीं आए किसानों, 20-20 दिन खाते कितने देर तक होता है, काफी काम हो गया है, लेकिन ये है कि अब बारिश का वही है कि इसका डर है, मौसम बहुत साफ है, मौसम अभी 17 तो ठीक ही है, किसान सर आपको पता है किसान का भगवान, तो चलो आप अच्छे हो, आप यहाँ आते हो, चलो दो चार बार आते हैं एग्रीकल्चर वाले, इस बार ये निपट जाएगा सर, अगली रिक्वेस्ट यही है अपना नाम यहाँ कर जाइए कि मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर दे जाइए बस, इनको बोल के जाना कि इतने पंखे होने चाहिए भैया मंडी, रोटी साहब टी साहब दे 42 कनाल की जगह जड़ी है अगली बारी दे और देवड़ी दी अगली बारी, हमें पता है हमने इस बार सोचा था कि इस बार हो जाएगी, नहीं पर वो नहीं हुई ना, इन्हें ही तो प्रॉब्लम आई, नहीं नहीं मौके मौके पर बेसिकली ना कॉन्ट्रैक्टर कल यार जिंदा पहले घर से प्रोवाइड कर दो, कॉन्ट्रैक्टर से तो सारी हर चीज है, कहां कौन सी कौन सी चीज नहीं है, टेंडर ही पता होगा, एक दो बंदे और पता काम ना ले सके लॉजिस्टिक्स करे अगली बार वैसा करके मतलब अंदर आई जीता माल ए पिछे पिछे हो चुके तेरी गल सुन ले रुपया 5,000 हो हजे बहुत सर कोशिश करो सर।